हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ साइंस फिक्शन मूवीज़ के बारे में जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहली मूवी आती है वो है दी मार्शियन। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2015 में और इस मूवी के लीड रोल में है मैट डिमॉन। इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर जाते हैं और तभी अचानक मार्स पे एक तूफान आ जाता है जिसमें से बाकी सभी एस्ट्रोनॉट तो रॉकेट में बैठ के वापस अर्थ की ओर निकल जाते हैं, लेकिन एक एस्ट्रोनॉट वहीं रह जाता है जो कि होता है मैट डिमॉन का कैरेक्टर मार्क विटनी। और इस मूवी की आगे की स्टोरी में ये दिखाया गया है कि मार्क विटनी किस तरह मार्स पर सर्वाइव करता है और उसमें क्या क्या मुश्किलें आती हैं, और यही इस मूवी की स्टोरी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ये मूवी तो ज़रूर देखें। तो इस लिस्ट की जो अगली मूवी है उसका नाम है इंटरस्टेलर। इस मूवी की स्टोरी बेस है 2070 में, कि 2070 में हमारी अर्थ इतनी केपेबल नहीं रह गई है कि वहाँ पे इंसान रह सके, तो कुछ एस्ट्रोनॉट्स दूसरे ग्रह पे जाते हैं ये देखने कि वहाँ पे इंसानों की प्रजाति रह सकती है कि नहीं। और इस मूवी की स्टोरी यही है कि क्या वो ऐसा कोई प्लेनेट ढूंढ पाते हैं कि जहाँ पे इंसान सर्वाइव कर सके। हालांकि इस मूवी के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप मूवी इंग्लिश में देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग इस मूवी को हिंदी में देखना पसंद करते हैं वो चाहे तो इस मूवी की स्टोरी यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ऐसी कई सारी वीडियोस हैं जिसमें इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है। तो इस लिस्ट की जो तीसरी मूवी है उसका नाम है पैसेंजर्स। इस मूवी की स्टोरी इस चीज़ पर बेस है कि कहीं दूर साइंटिस्ट को एक ऐसा प्लेनेट मिलता है जो कि अर्थ जैसा है और वहाँ पर भी ह्यूमन सर्वाइव कर सकते हैं। तो वे एक स्पेसशिप बनाते हैं जो कि उस प्लैनेट तक जाएगा, और इस स्पेसशिप को उस प्लैनेट तक पहुंचने में करीब 90 साल लगते हैं, और इस 90 साल के दौरान जितने भी 5,000 लोग इस स्पेसशिप में हैं वो डीप स्लीप में होते हैं। और इस मूवी की स्टोरी में ट्विस्ट यहाँ पर यह आता है कि जिम प्रैटसन, जो कि उन 5,000 लोगों में से एक है जो कि इस शिप पर सफ़र कर रहे हैं, उनका टाइम से पहले ही पॉट खुल जाता है जिसमें कि वो डीप स्लीप में थे। तो इस बचे हुए टाइम पे वो इस शिप में क्या क्या एडवेंचर करते हैं यह इस मूवी में दिखाया गया है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये मूवी भी आप एक बार तो ज़रूर देखें, और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। तो इस लिस्ट की जो अगली मूवी है उसका नाम है एज ऑफ टुमारो। इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि टॉम क्रूज का जो करेक्टर होता है उसे एक अनोखी शक्ति वाला एलियन काट लेता है, जिससे कि टॉम क्रूज का करेक्टर एक टाइम लूप में फंस जाता है, यानी कि वो जब भी मरता है तब वो वापस से ज़िंदा हो जाता है। तो इस मूवी में यही दिखाया गया है कि टॉम क्रूज का करेक्टर उस टाइम लूप से कैसे बाहर आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी एक बार तो ज़रूर देखिएगा, और ये मूवी हिंदी पे भी अवेलेबल है। तो इस लिस्ट की जो अगली मूवी है उसका नाम है एलिजियम। इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि आज से कई सालों बाद अर्थ की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए एक कंपनी अर्थ के ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन को बनाती है जिसमें कि इंसान रह सके, लेकिन इस स्पेस स्टेशन का प्राइस इतना ज़्यादा होता है कि अर्थ के रह रहे कुछ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर पाते हैं, और अर्थ पे रह रहे जितने भी मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते और वो अर्थ पर ही रहते हैं। और इस मूवी में यही दिखाया गया है कि अर्थ पे रह रहा एक इंसान जिसका नाम होता है मैक्स डी कोस्टा, वो एलिजियम में जाना चाहता है, और वो एलिजियम में क्यों जाना चाहता है और एलिजियम में कैसे पहुँचता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। तो इस लिस्ट की जो अगली मूवी है उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट 9। इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक दिन अचानक से स्पेस से एक स्पेसशिप आता है जिसमें से कुछ एलियंस निकलते हैं, लेकिन वो एलियंस यहाँ पे लड़ने नहीं आते बल्कि वहाँ पे उसी जगह जहाँ पे उसका स्पेसशिप उतरता है वहीं पर रहने लग जाते हैं, और उसी जगह को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट 9। और गवर्नमेंट इन एलियंस को अर्थ पे रहने के लिए अलाउ कर देती है, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट इन एलियंस के खिलाफ कुछ रूल्स लगाती है कि अगर इन एलियंस ने उस रूल को तोड़ा तो इन्हें पकड़ लिया जाएगा, और इन्हीं सब के इंचार्ज होते हैं विक्टर्स। और एक दिन ऐसे ही विक्टर्स को एक एलियन काट लेता है जिससे कि वो भी धीरे धीरे एक एलियन में बदलने लग जाते हैं, और इस मूवी में यही दिखाया गया है कि विक्टर्स में एक एलियन में बदलने के बाद क्या करते हैं। तो इस लिस्ट की जो अगली मूवी है उसका नाम है ओब्लिवियन। इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक दिन अचानक एलियन अर्थ पे हमला कर देते हैं, और एलियन और इंसानों की लड़ाई के बीच में आखिरकार इंसान जीत जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में अर्थ बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बचती। तो जितने भी इंसान अर्थ पे रह रहे होते हैं उन्हें एक नए प्लेनेट टाइटन पे भेजा जा रहा होता है। तो इस मूवी में यही दिखाया गया है कि उन इंसानों को टाइटन पे भेजा जा भी रहा होता है या नहीं, तो ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है।
तो इस लिस्ट की जो अगली मूवी है उसका नाम है लूसी। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लूसी, और एक एक्सीडेंट के बाद वो धीरे धीरे अपने दिमाग का 100% यूज़ करने लग जाती है। और इस मूवी में यही दिखाया गया है कि अगर एक इंसान अपने दिमाग का 100% यूज़ करने लग जाए तो क्या क्या नहीं कर सकता। और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा। इस लिस्ट की जो अगली मूवी है उसका नाम है सोर्स कोड। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसके मरने के 8 मिनट बाद भी उसका दिमाग ज़िंदा रहता है। तो इस मूवी में यही दिखाया गया है कि एक इंसान एक ऐसी मशीन बना लेता है जिससे कि किसी मरे हुए इंसान की उस 8 मिनट बाद की यादों को देखा जा सकता है। और यह इस मूवी का मेन बेस है, और बाकी की इस मूवी में क्या होता है वो देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और ये मूवी बहुत अच्छी है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। सो ऐसे मैंने आपको बताया कुछ साइंस फिक्शन मूवीज़ के बारे में, और इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी साइंस फिक्शन की मूवीज़ बताई हैं उनमें से इंटरस्टेलर को छोड़ दिया जाए तो सारी मूवी हिंदी में अवेलेबल है, आप इन मूवी को हिंदी में देख सकते हैं। सो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय।